हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे जो कि डेफिनेट इंटीग्रेशन से रिलेटेड है। डेफिनेट इंटीग्रेशन में इसके क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं और ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो आपको बिल्कुल डेफिनेट इंटीग्रेशन में परेशान करता होगा, और वो कॉन्सेप्ट है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का क्या कॉन्सेप्ट होता है, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और उसका क्या इजिएस्ट वे होता है सॉल्व करने का, जो कि हम हमेशा डिस्कस करते ही हैं। तो वो मैथड डिस्कस करूंगा मैं आपके सामने, जिससे आप क्वेश्चंस को बहुत जल्दी सॉल्व कर देंगे बिना किसी कंफ्यूजन के। जनरली ये देखा गया है कि स्टूडेंट्स को बहुत कंफ्यूजन होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को समझने में, और साथ साथ इंटीग्रेशन आ जाए फिर तो क्वेश्चन के क्या कहने। तो उसी दुविधा को, असुविधा को, परेशानी को, जो भी आप समझें, दूर करने के लिए आज मैं आपके सामने बहुत इंपॉर्टेंट और अच्छा इजी मैथड डिस्कस करूंगा। बहुत ध्यान से समझेंगे, आपने सेट के क्वेश्चन जरूर देखे होंगे अगर आपने डेफिनेट इंटीग्रेशन करा है। यहाँ पे मेंशन भी होता है बेटा, अगर जहां भी मेंशन होता है GIF ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, सबसे पहले देख लेते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता क्या है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो होता है इंटीजर वैल्यू देता है, अगर 2.3 है तो 2 देगा, 3.4 है 3 देगा, 3.99 है तो भी 3 देगा, 4.5 है तो 4 देगा, राइट, 4.9999 है तो भी 4 देगा, 4.01 है तो 4 देगा, राइट। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं हम लोग, कुछ लोग कहते हैं कि इसको ग्राफ बना लो फिर सॉल्व करो, राइट, कुछ लोग कहते हैं कुछ सब्स्टिट्यूशन कर दो फिर सॉल्व करो। हम लोग ऐसा कुछ नहीं करेंगे, हम लोग देखेंगे समझेंगे कॉन्सेप्ट को कैसे करना है। हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, लिमिट पुट करेंगे, 0 पुट करो 0 आ रहा है, 2 पुट करो 4 आ रहा है, 0 पुट करो 0 आ रहा है, 2 पुट करो 4 आ रहा है। तो 0 से 4 तक के ग्रेटेस्ट इंटीजर इंटीजर क्या क्या होंगे, 0, 1, 2, 3, 4 है तो 4 भी आप लिख दीजिए। बहुत ध्यान से समझना है इस कॉन्सेप्ट को, अगर आप ये कॉन्सेप्ट समझ गए तो मेरी पूरी श्योरिटी या पूरी गारंटी आपको कि आपका क्वेश्चन कभी नहीं फंसेगा और गलती होने का तो मतलब ही नहीं होता। तो 0 से 4 तक, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहां 0 लिखना है, मैं 0 से स्टार्ट करा, फिर ये जो फंक्शन अंदर का है इसकी जगह ये वैल्यू पुट कर दीजिए। 0 तो पुट नहीं करेंगे, 0 से हमने स्टार्ट करा था, 0 तो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट था, तो x स्क्वायर की जगह 1 पुट कर दीजिए आप यहां पे आराम से। तो x स्क्वायर 1 है तो x आएगा 1, राइट। फिर आगे चलते हैं, यहां 1 था तो ऑब्वियसली यहां 1 आएगा, फिर x स्क्वायर की जगह पुट कर दीजिए 2, राइट, x स्क्वायर 2 था तो यहां √2 आएगा इसकी लिमिट में, ठीक है बच्चों, हटा देता हूं मैं इसको थोड़ा सा, यहां लिख देते हैं नंबर हम लोग अपने, ठीक है बच्चों, इसे भी थोड़ा सा सही कर देते हैं, x स्क्वायर का 2 आ गया तो x आ गया √2। अब x स्क्वायर को √2 पुट करा तो यहां पर हमारा √2 आएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। फिर x स्क्वायर को यहां पर 3 पुट कर दीजिए और फिर यहां पर ये ऑब्वियसली √3 आएगा, तो √3 है तो x स्क्वायर के यहां 4 पुट कर दीजिए तो यहां पर 2 आ गया, फाइनल वैल्यू मिल गई, रुक जाए। दोबारा समझ लीजिए, जो इंटीजर थे 0 पुट करा 0 आ रहा है, 2 पुट करा 4 आ रहा है, सारे इंटीजर हम लोगों ने एज इट इज पुट कर दिए। अब 0 पुट करेंगे 0, x स्क्वायर 1 पुट कर देंगे, जो भी अंदर का पूरा फंक्शन होगा चाहे कितना बड़ा हो चाहे कितना छोटा हो 1 पुट कर दीजिए, सॉल्व करिए इसको 1 आ गया, x स्क्वायर में 2 पुट करिए सॉल्व करा √2 आ गया, पॉजिटिव लेंगे क्योंकि 0 से स्टार्ट कर रहे हैं, प्लस माइनस का कांसेप्ट नहीं लेना इसमें, x स्क्वायर में 3 पुट करा √3 आ गया, x स्क्वायर को 4 पुट करा 2 आ गया, इतना काम कर दिया। और फिर यहां 0 पुट करिए, 0 पुट करेंगे 0, 1 पुट करेंगे 1, 0 पुट करेंगे 0, 1 पुट करेंगे 1, 0 से 1 तक का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 होता है, 1 पुट करिए 1, √2 पुट करिए 2, क्योंकि √2 का स्क्वायर 2 तो ये 1 होता है, ये √2 से √3 के बीच में 2 आएगा क्योंकि √2 का स्क्वायर 2, √3 का स्क्वायर 3, ये 3, ठीक है बच्चों, पक्की बात। अब एक काम ये भी कर सकते थे, एक तो अलग अलग चेक करते या फिर सारे नंबर पुट लो, तो 0 1 2 3, 0 1 2 3, ठीक है, कोई परेशानी, चलो जी। तो इसको सिंपल सिंपल इंटीग्रेट कर दीजिए, ये तो हो गया 0, इसको इंटीग्रेट करेंगे x, इसको इंटीग्रेट करेंगे 2x, इसको इंटीग्रेट करेंगे 3x, वैल्यू पुट कर देंगे आंसर आ जाएगा, वैल्यू कौन कौन सी है, ये अपर लिमिट लोअर लिमिट का कांसेप्ट है बच्चों वाला, जिसमें आप पूरे एक्सपर्ट होंगे, आप सॉल्व इजीली कर देंगे, ठीक है।
आंसर नहीं निकाल रहा, आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं, क्योंकि मैं जनरली वीडियो बहुत छोटी छोटी बनाता हूं जिससे आप कम टाइम में ज्यादा चीजों को गेन कर पाओ। अगली वीडियो देखते हैं, फटाफट से अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1 से 9 अब क्या क्या प्रॉब्लम है, ग्रेटेस्ट इंटीजर में क्या रहा, रूट एक्स, कॉन्सेप्ट वही है, रूट एक्स कंप्यूट करो 1, 9 पुट करो 3, ठीक है। फिर क्या करेंगे हम लोग, यहां 1 रूट एक्स इज इक्वल टू, तो कितना आ गया 4, रूट एक्स इज इक्वल टू, तो थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो रहा है, थोड़ा सा देखो बाहर प्रॉब्लम है थोड़ी सी, ठीक। तो ये 1 आ गया और ये 2 आ गया, ठीक है बच्चों, क्योंकि ऑब्वियस है रूट एक्स हमने 2 पुट करा तो 4 आ गया, 4 था तो ये 3 था, तो इसके बीच में 2 आ गया, क्योंकि 1 से 4 तक का ग्रेड से 1, 4 से सॉरी थोड़ा सा बाहर से डिस्टर्बेंस हो रहा है, प्लीज आप चेक करो, ठीक है, उसी डिस्टर्बेंस के चलते थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया। देखिए बहुत ध्यान से समझना है, 1 पुट करेंगे 1 आएगा, 9 पुट करेंगे 3 आएगा, ठीक है। तो हमें क्या करना है, 1 से 1 टू 3 हो गया, अब हम क्या पुट करेंगे 1, अब हमें रूट एक्स की वैल्यू पुट करनी है 2, राइट right? जब रूट एक्स 2 आ गया कोई दिक्कत नहीं है, देख लेंगे इसको, रूट एक्स 2 आया तो यहां गया 4, जो ही वैल्यू यहां की वही वैल्यू यहां पुट करेंगे, ओके okay? ये 4 यहां पे आ गया, जब ये 4 यहां पे आ गया तो अब रूट एक्स 3 क्या पुट करेंगे, 3, जो पूरा फंक्शन होता है वही लिमिट पुट कर दीजिए आप, तो ये आ गया 9, तो 1 से 4 तक का ग्रेटेस्ट इंटीजर आएगा 1, क्यों 1 पुट करेंगे 1 आएगा, रूट 4 पुट करेंगे 2 आएगा, तो 1 आ गया, 4 से 9 तक का आएगा 2, ठीक है, या फिर वैल्यू चाहिए मत करिए, डायरेक्ट पुट करिए 1 2 3, तो 1 2, तीसरा ही नहीं, तीसरा में पुट करने की जरूरत नहीं है, इसको इंटीग्रेट करने का करना है उसको, x आ गया 1 से 4, इसका 2x आ गया 4 से 9, वैल्यू पुट कर देंगे, दैट इज 4 माइनस 1 18 माइनस 8 3 प्लस 10 आंसर आ गया 13, ठीक है भाई। एक और क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से, जो थोड़ा सा टफ है, x के हट अलग है, ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है और सबसे बड़ी बात आईटी एडवांस में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से समझना है आपको, 0 से पाई बाई 3 रूट 3 टेन एक्स, फिर वही कॉन्सेप्ट पहले हम देखेंगे कौन कौन से इंटीजर मिल रहे हैं, 0 पुट करो 0 आ रहा है, पाई बाई 3 10 पाई बाई 3 रूट 3, रूट 3 इंटू रूट 3 3, तो 0 1 2 3, तो क्या करेंगे वही काम, 0 से स्टार्ट करना है, 0 कर दिया हम लोगों ने आराम से, रूट 3 10 एक्स की जगह क्या पुट करेंगे, ऑब्वियस है 1, तो 10 एक्स आ गया 1 बाई रूट 3, तो 10 एक्स 1 बाई रूट 3, तो ये हो गया पाई बाई 6, तो 30 डिग्री पे होता है। फिर रूट 3 टेन एक्स 2 आ गया, तो टेन एक्स फेल हो गए 2 बाई रूट 3, तो ये कितना आ गया, टेन इनवर्स 2 बाई रूट 3, अब यहां टेन इनवर्स 2 बाई रूट 3 था यहां रख दिया, फिर रूट 3 टेन एक्स की क्या कर दें 3, बात समझ रहे हैं ना आप लोग, पहले 1 पुट करा, देन 2 पुट करा, देन 3 पुट करा, तो 10x आ गया रूट 3, यानी कि आ गया पाई बाई 3, अब फिर वही वायर वही काम करना है, यहां 0 यहां 1 यहां 2, सारी वैल्यू पुट कर दिया, यह आ गया 0, इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर दिए और लिमिट पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो इस वीडियो में हम लोगों ने आज की क्लास में डेफिनेट इंटीग्रेशन के ग्रेटेस्ट मेजर के कॉन्सेप्ट डिस्कस किए हैं, डेफिनेट इंटीग्रेशन के भी और बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं जो मैं आपसे धीरे धीरे डिस्कस करूंगा, कुछ कॉन्सेप्ट्स की वीडियो ऑलरेडी मैंने अपलोड कर रखी है, लेबनीज थ्योरम की आपको वीडियो मिल जाएगी, किंग प्रॉपर्टी क्या होती है, फोर्थ प्रॉपर्टी सबसे इंपॉर्टेंट होती है, उसकी वीडियो आपको मिल जाएगी, और भी इवन ऑड वाले फंक्शन
फंक्शंस हैं जो हम लोग प्रॉपर्टी में यूज करते हैं उसकी वीडियो में बहुत जल्दी अपलोड करूंगा, तो बहुत ध्यान से देखिए वीडियोस को, कुछ डाउट और कंफ्यूजन तो मुझे जरूर प्लीज सेंड करिए। ओके बच्चों, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।